हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस में प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। इससे पहले हमने बात की है यूएसएम के बारे में कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या होती है, ईसीएम यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, और ईडीएम मशीनिंग के बारे में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। और हमने बात की थी लास्ट में लेजर बीम मशीनिंग के बारे यानी कि एलबीएम क्या होता है, हमने उसकी एप्लीकेशंस एडवांटेज डिसएडवांटेज। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में, ठीक है। अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, तो शुरू करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में कि प्लाज्मा आर्क मशीनिंग क्या होता है। तो ये क्या है, एक तरह से मशीनिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं मटेरियल को रिमूव करते हैं। कि क्या है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, इज ए मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। ये क्या है, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मटेरियल है हम उस मटेरियल को, अनवांटेड मटेरियल को वर्क पीस से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी जेट होता है, हाई वेलोसिटी जेट ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हमारा जो जेट वेलोसिटी होती है हम उसको फ्लो करवाते हैं। कहाँ पे फ्लो करवाते हैं, हमारे वर्क पीस के ऊपर, ठीक है। हाई वेलोसिटी जो गैसेस होती हैं, ठीक है, हॉट गैसेस होती है, हीटेड गैसेस होती हैं, उन गैसेस को हम फ्लो करवाते हैं कहाँ पे, जो हमारा वर्क पीस होता है, जिस वर्क पीस से हम अनवांटेड मटीरियल को रिमूव करना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग इज ए मटीरियल रिमूवल प्रोसेस, इट इज ए मटीरियल रिमूवल प्रोसेस, इट इज ए मटीरियल रिमूवल प्रोसेस इन विच हाई वेलोसिटी जेट ऑफ हाई टेम्परेचर गैसेस ऑन वर्कपीस, ठीक है, ऑन वर्कपीस। नैरो प्लाज्मा जेट मेल्ट द वर्कपीस मटेरियल इन द पाथ, इन इट्स पाथ। कि अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से सुन लो कि हमने क्या लिखा, इट इज ए मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, प्लाज्मा आर्क मशीन के मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी जेट ऑफ हाई टेम्परेचर गैसेस ऑन वर्कपीस, की जो हमारी हाई वेलोसिटी हाई टेम्परेचर गैसेस होती है, हीटेड गैसेस होती है, उन गैसेस को हम अप्लाई करते हैं, कहां पे करते हैं, वर्कपीस के ऊपर करते हैं। तो वो जो नैरो वेलोसिटी होगी ना, नैरो प्लाज्मा होगा, जो नैरो प्लाज्मा जेट हाई वेलोसिटी जेट होगा, तो वो क्या कर देगा, हमारे वर्कपीस को मेल्ट कर देगा, हमारे वर्कपीस को क्या करेगा, मेल्ट कर देगा, और मटेरियल को क्या कर देगा, ठीक है, मेल्ट का वर्कपीस मटेरियल, वर्कपीस के मटेरियल को मेल्ट कर देगा, ठीक है, वर्कपीस के मेल्ट को मेल्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमने बात की प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में। एक बार फिर से सुन लो कि प्लाज्मा आर्क मशीनिंग एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी जेट होती है, जो हाई वेलोसिटी जेट को, हाई टेम्परेचर गैसेस को हम कहां पे अप्लाई करते हैं, वर्क पीस पे, जहां पे हम जो अनवांटेड मटेरियल है, जिस मटेरियल को हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, जिस मटेरियल को हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस के बारे में, ठीक है, प्रोसेस बोल सकते हो, प्रिंसिपल बोल सकते हो, या फिर वर्किंग बोल सकते हो, ठीक है, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की वर्किंग के बारे में, ठीक है, प्रोसेस में बोल, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ठीक है, ये हमारी क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। हम बात करते हैं प्रोसेस में, प्रोसेस बोल सकते हो, प्रिंसिपल बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गैसेस आर हीटेड एंड चार्ज टू प्लाज्मा स्टेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमने प्लाज्मा आर्क मशीनिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारी गैसेस है उन गैसेस को हम क्या करेंगे, हीटेड करेंगे और उनको चेंज करेंगे, चेंज टू प्लाज्मा स्टेट। किस स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में हम क्या करेंगे, हीटेड गैसेस एंड चेंज्ड इट इनटू प्लाज्मा
स्टेट, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लाज्मा स्टेट इज द सुपर हीटेड एंड इलेक्ट्रिकली गैसेस एट अप्रोक्सीमेटली 5000 डिग्री सेल्सियस। कि जो हमने गैसेस को हीट किया है, जो हमने प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है गैसेस को हीट करने के बाद, उनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा लगभग होगा 5000 सेल्सियस, ठीक है, 5000 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करेंगे उनको हीटेड कर देंगे। उनको हीटेड करेंगे तो वो सुपर हीटेड हो जाएंगे प्लाज्मा स्टेट में, तो उनका जो टेम्परेचर होगा वो पहुंच जाएगा कितना, हो जाएगा 5000 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितने तक पहुंच जाएगा, 5000 डिग्री सेल्सियस। These gases are directed on the workpiece in the form of high velocity steam. उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास गैस होगी, गैसेस को हम हीटेड करेंगे, हीटेड करने के बाद उनको प्लाज्मा स्टेट में चेंज करेंगे, प्लाज्मा स्टेट फिर आगे सुपर हीटेड होगी, वो टेम्परेचर कहां तक जाएगा, 5000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचेगा प्लाज्मा स्टेट का। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हाई वेलोसिटी यानी कि 5000 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर पहुंच चुका है, जो जो हीटेड प्लाज्मा स्टेट है, इस सुपर हीटेड प्लाज्मा स्टेट है, इसको हम अप्लाई करेंगे डायरेक्टली हमारे वर्कपीस के ऊपर। हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे वर्कपीस के ऊपर एट हाई वेलोसिटी स्टीम के साथ, हाई वेलोसिटी, ठीक है, हाई वेलोसिटी, ठीक है, हाई वेलोसिटी स्टीम के साथ हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास प्लाज्मा स्टेट आई है, जो हमारी गैसेस हुई है सुपर हीटेड है, हम इसको डायरेक्टली हमारे वर्कपीस पे हाई वेलोसिटी स्टीम की क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, हमारे वर्कपीस को जो अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम मशीन को ऑपरेशन करेंगे, प्रोसेस जारी रखेंगे, वर्किंग करेंगे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के अंदर, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एडवांटेज के बारे में, ठीक है। ये तो हमारी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, सॉरी वेल्डिंग भी बोल सकते हो, मशीनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग या फिर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है, एक ही चीज होती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इसकी एडवांटेज के बारे में, ठीक है, बात करेंगे एडवांटेज, एडवांटेज, ठीक है, ये किसकी एडवांटेज है, ये एडवांटेज है हमारी प्लाज्मा आर्क मशीन, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम PAM भी बोल सकते हैं, ठीक है, PAM यानी कि प्लाज्मा आर्क मशीन। तो एडवांटेज में सबसे पहले एडवांटेज हम बात करेंगे, यूज्ड फॉर कटिंग फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल एट हाई स्पीड। सबसे पहली जो एडवांटेज है हमारी प्लाज्मा आर्क मशीन की, वो क्या है कि हाई स्पीड पे हम चाहे तो फेरस है मेटल या फिर नॉन फेरस मेटल है, दोनों मेटल की कटिंग कर सकते हैं, कटिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं हम PAM यानी कि प्लाज्मा आर्क मशीन का हाई स्पीड पे। तो हम क्या लिखेंगे एडवांटेज में, इट इज यूज्ड फॉर फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स एट हाई स्पीड, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स मेटल्स कटिंग एट हाई स्पीड, कटिंग एट हाई स्पीड, हाई स्पीड पे कटिंग करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट एडवांटेज में क्या है, प्रोफाइल कटिंग ऑफ टाइटेनियम इज पॉसिबल, ठीक है, कोई भी हमारा टाइटेनियम मटेरियल है तो उसको कटिंग करने के लिए भी हम PAM यानी कि प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नो कॉन्टेक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, ठीक है, कटिंग रेट ऑफ ऑल मटेरियल आर हाई, जो कटिंग रेट होता है वो भी क्या होता है इसके अंदर ज्यादा होता है, कटिंग रेट इज हाई, कटिंग रेट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, कटिंग रेट क्या होता है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का, वो क्या होता है, हाई होता है, ऑटोमेटेड इजली आसानी के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटेड कर सकते हैं, कैन बी ऑटोमेटेड इजली, ठीक है। इसके अलावा मेटल्स जो इसका प्लाज्मा आर्क होता है, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग होता है, जो वेलोसिटी स्पीड होती है वो भी क्या होती है, इसके अंदर हाई होती है,
ठीक है, नो कॉन्टैक्ट, किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट नहीं होता, नो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्क पीस के बीच, जिसकी वजह से टूल के खराब होने का चांसेस कम होते हैं। तो ये हमने बात की एडवांटेज की, इसकी एडवांटेज, ये हमारी एडवांटेज है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, यानी कि PAM की, ये हमारी एडवांटेज किसकी है, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की। तो एक बार देख लो फिर से एडवांटेज में हमने क्या बोला, इट इज यूज्ड फॉर फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स कटिंग एट हाई स्पीड्स, कि इट इज यूज्ड फॉर कटिंग, यहां पे भी लिख सकते हो इट इज यूज्ड फॉर कटिंग फेरस एंड नॉन फेरस मटीरियल एट हाई स्पीड, कि कोई भी हमारा फेरस मटीरियल है या फिर नॉन फेरस मटीरियल है, उस मटेरियल की कटिंग करने के लिए, हाई स्पीड पे कटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। सेकंड पॉइंट, कटिंग रेट इज हाई, जब भी हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग प्रोसेस यूज करेंगे और इसको परफॉर्म करेंगे तो इस दौरान जो कटिंग रेट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा, कटिंग रेट क्या रहेगा, हाई। थर्ड पॉइंट में बात की कैन बी ऑटोमेटेड इजिली, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग को हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, जब भी हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग करते हैं तो उस दौरान हमारे टूल और वर्कपीस के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे टूल की लाइफ ज्यादा होती है, टूल ज्यादा समय तक चलता है, वियर वियर कम होता है। तो ये हमारी क्या है, कुछ मेन एडवांटेज है, किसकी एडवांटेज है, PAM यानी कि प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की हमारी क्या है एडवांटेज। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में, PAM की डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, शुरू करते हैं डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीन की, जो हमारी प्लाज्मा आर्क मशीन है यानी कि PAM, उसकी डिसएडवांटेज, सबसे पहले बर्क इज ऑफन प्रोड्यूस, ठीक है, कई बार क्या होता है जैसे हम कोई भी मशीन का ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए जब हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग करते हैं तो कई बार हमारे सरफेस पर क्या आ जाते हैं, बर्क वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, वो एक तरह से क्या है, डिफेक्ट है, बर्क पैदा हो जाते हैं, टेपर ऑन द वर्कपीस में अकर, और कई बार क्या होता है जब हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग करते हैं तो हमारा वर्कपीस क्या हो जाता है, जब हम मशीनिंग कर रहे हैं तो वो टेपर हो जाता है, ठीक है, हम टेपर नहीं करना चाहते लेकिन हमारा वो क्या हो जाता है, टेपर हो जाता है, जो एक तरह से डिफेक्ट है, डिसएडवांटेज है हमारी प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की, ठीक है। इसके अलावा इट प्रोड्यूस हार्ड एंड अनइवन सरफेस, जब भी हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग करते हैं तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की वजह से क्या होता है, हमारा जो सरफेस होता है वो हार्ड हो जाता है और अनइवन, यानी कि अनइवन खुदरा, ऊंचा नीचा, यानी कि कहीं से ज्यादा हो गया कहीं से कम हो गया, तो इस तरह से हमारा सरफेस प्रोड्यूस हो जाता है जब हम यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का, तो ये भी हमारा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि स्मोक एंड नॉइज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेस, जब भी हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग करते हैं तो इस दौरान स्मोक यानी कि धुआं और नॉइज शोर होता है, जो कि डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी डिसएडवांटेज है, सबसे पहले है बर्क इज प्रोड्यूस, BUR, बर्क इज प्रोड्यूस, ठीक है, बर्क प्रोड्यूस होता है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट पे हमने बात क्या की थी, टेपर ऑन द वर्कपीस में अकर, कई बार हमारा वर्कपीस क्या हो जाता है, टेपर, टेपर, टेपर ऑन द वर्कपीस, टेपर ऑन द वर्कपीस, वर्कपीस में अकर, ठीक है, कि हमारा वर्कपीस कई बार क्या होता है, टेपर हो जाता है, वर्कपीस में भी टेपर। इसके अलावा इट प्रोड्यूस हार्ड एंड अनइवन सरफेस, इट प्रोड्यूस हार्ड एंड अनइवन सरफेस, ठीक है, अनइवन सरफेस। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, सरफेस भी क्या होता है, अनइवन होता है। स्मोक एंड नॉइज इज प्रोड्यूस,
स्मोक एंड नॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन या फिर प्रोसेस। जब भी हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, या तो नॉइस होती है और स्मोक होता है, नॉइस और स्मोक होता है, ठीक है। शार्प कॉर्नर्स कैन बी डिफिकल्ट, शार्प कॉर्नर कैन बी डिफिकल्ट टू मशीन। शार्प कॉर्नर को मशीन करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो ये हमारी क्या है, कुछ डिसएडवांटेज है, किसकी डिसएडवांटेज है, ये हमारी डिसएडवांटेज है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की कि वर्क इज प्रोड्यूस। कई बार क्या होता है, जब हम प्रोड्यूस करते हैं हमारे वर्कपीस को, वर्कपीस के ऊपर प्लाज्मा आर्क मशीनिंग करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस हो जाता है। क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस हो जाता है। टेपर ऑन द वर्कपीस में अक्कर, और हमारा जो वर्कपीस तैयार होता है वो टेपर होता है। इट प्रोड्यूस हार्ड एंड अनइवन सरफेस। जब भी हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का प्रयोग करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो भी हमारा सरफेस प्रोड्यूस होगा वो सरफेस या तो हार्ड होगा या फिर क्या होगा, अनइवन, यानी कि कहीं से कम कहीं से ज्यादा, तो इस तरह से अनइवन सरफेस होगा, जो कि डिसएडवांटेज है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की। स्मोक एंड नॉइज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब भी हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, इसके द्वारा कोई भी ऑपरेशन डन करवाएंगे, कोई भी जॉब बनाएंगे, तो उस दौरान क्या होगा, एक तो स्मोक यानी कि धुआं वगैरह होगा और नॉइज यानी कि शोर भी बहुत होगा। जब भी हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग करते हैं तो शोर शराबा ज्यादा होता है। शार्प कॉर्नर कैन बी डिफिकल्ट टू मशीन। हमारे जो शार्प कॉर्नर होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि शार्प कॉर्नर को प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की सहायता से मशीन करें, तो वो एक तरह से डिफिकल्ट प्रोसेस है, वो क्या है, डिफिकल्ट है। तो ये हमने बात की डिसएडवांटेज की, ये हमने बात की डिसएडवांटेज की। अब हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की, ठीक है, कि कहां कहां पे हम यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का, ठीक है। बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीन, एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीन, ठीक है, एप्लीकेशंस कि कहां कहां पे हम यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीन का। तो सबसे पहले, इट कैन बी यूज टू मेक कट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मेटल्स। जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मटेरियल होती है, यानी कि ऐसी मटेरियल जिन मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सके, ठीक है, गुजर सके, उन मटेरियल्स को कट करने के लिए हम यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। यानी कि जो भी मटेरियल्स हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, उन मटेरियल्स को कट करने के लिए हम यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। इसके अलावा इट इज यूज फॉर कटिंग ग्रूव्स इन हार्ड शाफ्ट। जो हमारी हार्ड शाफ्ट होती है, उन शाफ्ट्स में स्लॉट्स काटने के लिए, ग्रूव काटने के लिए भी हम यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। हम किसका यूज करते हैं, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। अंडरवाटर कटिंग, अगर हमने अंडरवाटर कोई कटिंग करनी है तब भी हम यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। तो हम लिख लेते हैं कि कहां कहां पे यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेक कट, फर्स्ट पॉइंट में इट इज यूज टू मेक कट, इट इज यूज टू मेक कट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेटल्स। जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेटल्स होती है, उन मेटल्स में कटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। हम किसका यूज करते हैं, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। इसके अलावा इट इज यूज इन ग्रूविंग इन हार्ड शाफ्ट। जो हार्ड शाफ्ट होती है, उन शाफ्ट्स में हम ग्रूव्स को कट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग यानी कि PAM का। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन अंडरवाटर कटिंग, इट इज यूज्ड इन अंडर वाटर कटिंग,
अंडर वाटर कटिंग में भी हम यूज करते हैं हमारी प्लाज्मा आर्क मशीन का। हम किसका यूज करते हैं? प्लाज्मा आर्क मशीन का, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा यूज होता है जैसे स्टेनलेस स्टील कटिंग करने के लिए, नॉन फेरस मेटल्स को कटिंग करने के लिए, वहां पे भी हम यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का, ठीक है। सॉरी, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग कुछ भी बोल सकते हो। इट इज आल्सो यूज्ड इन स्टील, नॉन फेरस मेटल्स आल्सो, ठीक है। इसका हम यूज कहां पे करते हैं? जो भी हमारी स्टील हो गया या फिर नॉन फेरस मेटल्स होती, उन मेटल्स की कटिंग के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं? हम यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन हुई। एक बार देख लो फिर से, एप्लीकेशन में हमने क्या बात की कि इट इज यूज टू मेक कट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेटल्स। जो भी हमारी मेटल्स, जिन मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उन मेटल्स की कटिंग के लिए हम यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीन का। इसके अलावा हमने सेकंड पॉइंट में बात की, इट इज यूज्ड इन ग्रूविंग इन हार्ड शाफ्ट। जो भी हमारी हार्ड शाफ्ट होती है, उन हार्ड शाफ्ट में अगर हम ग्रूव्स कट करना चाहते हैं तो उन ग्रूव्स को कट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं प्लाज्मा आर्क मशीन, यानी कि PAM का। थर्ड पॉइंट में बात की, इट इज यूज्ड इन अंडर वाटर कटिंग। अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे अगर हमने किसी चीज की कटिंग करनी है, मान लीजिए जैसे पाइप्स वगैरह होगी, किसी भी चीज की कटिंग करनी है, तब भी हम यूज करते हैं PAM यानी कि प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। फोर्थ पॉइंट में बात की, इट इज आल्सो यूज्ड इन स्टेनलेस स्टील। जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है या फिर नॉन फेरस मेटल्स होती है, इन मेटल्स में भी हम यूज कर सकते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। हम किसका यूज कर सकते हैं? प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का, ठीक है। तो आज के चैप्टर में, ठीक है, यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने ये फोर्थ चैप्टर तो अपना था मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया। इस चैप्टर में हमने अपनी पांच इंपोर्टेंट मशीनिंग प्रोसेस के बारे में जाना। हमने बात की अपनी पांच जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी मशीनिंग प्रोसेस थी, यानी कि USM के बारे में। USM यानी कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। हमने बात की अपनी ECM के बारे में। ECM यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ECM यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में। उसके बाद हमने बात की हमारी जो थर्ड वन थी, यानी कि EDM, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन। फिर हमने बात की थी लेजर बीम, ठीक है, लेजर बीम मशीनिंग की। और लास्ट में उसको हम LBM भी बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। हमने बात की LBM की, और अभी हमने पांचवें नंबर पे बात की है PAM की, ठीक है, प्लाज्मा आर्क मशीन। तो ये पांच मशीनें थी हमारी इंपॉर्टेंट मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस चैप्टर के अंदर। हमने अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ECM इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, EDM इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, EBM लेजर बीम मशीनिंग, और PAM यानी कि प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में जाना। इनकी एप्लीकेशंस, इनका यूज कहाँ पे होता है, इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज वर्किंग के बारे में बात की। हमने इस चैप्टर के अंदर जो हमारा डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिकल फ्लूइड के बारे में जाना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। और हमने इसमें बात की जो हमारे मेटल रिमूवल रेट होता है, यानी कि हमारी MRR है, मेटल रिमूवल रेट के बारे में हमने बात की मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस चैप्टर में, ठीक है। आज यहाँ पे आपका फोर्थ चैप्टर मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है।